दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें यह कहा जाता है कि जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को आपके घर के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए कनेक्ट करते ही आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगी अब क्या वाकई में कैपेसिटर को कनेक्ट करने से हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होती है कि नहीं कम होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी के टाइम पे मोर देन सेवनटीन लाख लोगों ने देख चुके हैं अब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि जो आपका वीडियो है वो वीडियो पूरा का पूरा फेक है कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का साइज क्या होना चाहिए इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट आए थे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे घर के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए और ये वाला वीडियो फेक है कि रियल है देखिए दोस्तों जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा का पूरा सच है जैसे कि मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो आपका कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को यदि आप कनेक्ट करते हो तो इस कंडीशन में जो आपका कैपेसिटर है वो कैपेसिटर डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम नहीं करेगा इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया था यदि आपके घर में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो आपका जो घर का पावर कंजसन है वो होगा 3.45 यूनिट अब ये जो आपका घर है इस घर में यदि आप कैपेसिटर को लगा देते हो तो कैपेसिटर को लगाने के बाद भी जो आपका यूनिट होगा मतलब कि पावर कंजप्शन होगा वो पावर कंजप्शन सेम होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम दोनों जगह पे आया है तो उस वाले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे तरीके से ये बताया था कि जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कम नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे कि आपको मालूम है जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर का करेक्शन करने के लिए उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो पावर फैक्टर होती है वो पावर फैक्टर यदि कम रहता है तो इस कंडीशन में आपको पेनाल्टी पे करना पड़ता है और यदि आपका पावर फैक्टर सही है तो इस कंडीशन में आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा तो यदि आपके घर का पावर फैक्टर कम है और पावर फैक्टर के वजह से आपको पेनल्टी को पे करना पड़ रहा है तो इस कंडीशन में आपके घर में कैपेसिटर को कनेक्ट करके पावर फैक्टर का करेक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप बचा सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का पावर फैक्टर सही है कि है कि खराब तो दोस्तों इसको पता करने के लिए सिंपली आपके घर में पावर फैक्टर मीटर को तो कनेक्ट करना पड़ेगा पावर फैक्टर वाली मीटर को कनेक्ट करने के बाद यदि आप ये देखते हो कि आपके घर का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर पॉइंट से कम है तो इस कंडीशन में आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत है यदि आपके घर का पावर फैक्टर पॉइंट नाइन या फिर वन है तो इस कंडीशन में आपके घर का जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है आपके घर का पावर फैक्टर अच्छा खासा है अब दोस्तों पे सवाल ये बनता है कि जो हमारे घर का पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर यदि कम है तो इस कंडीशन में हमें कितना वैल्यू का कैपेसिटर को कनेक्ट करना, करना पड़ेगा जिससे कि हमारे घर का पावर फैक्टर सही हो जाए मतलब कि पावर फैक्टर हमारा वन हो जाए या फिर जीरो पॉइंट नाइन नाइन हो जाए तो हमारे घर के लिए कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताने चाहूंगा कि जो आपका कैपेसिटर है वो कैपेसिटर लेगिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है देखिए दोस्तों जो पावर फैक्टर होती है वो पावर फैक्टर तीन तरीके का होता है पहला होता है यूनिटी पावर फैक्टर दूसरा होता है लेगिंग पावर फैक्टर और तीसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर अब ये यूनिटी पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होती है इसके बारे में पिछले वीडियो मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था यदि आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो या फिर वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो कुल मिला के पावर फैक्टर तीन तरीके का होता है जिसमें से यदि आपके घर का पावर फैक्टर यूनिटी है

और पावर फैक्टर खराब होने की वजह से जो आपका सर्किट है उस सर्किट में और भी ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कि अभी अभी के के टाइम टाइम पे पे एक बल्ब है 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 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और उस सर्किट का जो पावर फैक्टर वो अभी के जीरो एट है, लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर में है अब यदि आप उसके साथ में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में आपका जो सर्किट है उस सर्किट में कैपेसिटेंस का मान और बढ़ जाएगा मतलब कि कैपेसिटिव लोड का मान बढ़ जाएगा जिसके वजह से पावर फैक्टर का मान और कम हो जाएगी और जो आपका सर्किट है उस सर्किट में जो वन एमपियर करंट फ्लो हो रही थी उसके जगह पे वन पॉइंट फाइव टू एमपीय थ्री इस प्रकार से करंट बढ़ जाएगा तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर केवल लेगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है लीडिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करता है आपके घर का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर लेगिंग में है या फिर लीडिंग में उसको पता करने के लिए जो पावर फैक्टर मीटर आती है उसमें आप देख सकते हो मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा पावर फैक्टर लेगिंग में है या फिर लीडिंग में है अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पे कैपेसिटर का साइज को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको तीन चीजें मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका घर है उस घर का पूरा लोड कितना है अभी के टाइम पे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे घर में 1500 वाट का लोड कनेक्ट किया गया है मतलब कि 1.5 किलोवाट का लोड कनेक्ट किया गया है सेकेंड पॉइंट हमें यह देखना है कि जो हमारे घर का पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कितना है अभी के टाइम पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा घर है उस घर का पावर फैक्टर जीरो है मतलब कि अभी के टाइम पे लैगिंग पावर फैक्टर है जिसका पावर फैक्टर हमारा 0.82 है अभी के टाइम पे जो हमारे घर का पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को cos थीटा से मैं डिनोट कर देता हूँ अब इसके बारे में जो हमारा घर है उस घर में पावर फैक्टर को कितना इंप्रूव करना है उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए मतलब कि पावर फैक्टर कितना इंप्रूव करना है उसको भी हमें यहां पे मेंशन करना होगा तो अभी के टाइम पे मान लेते हैं कि हमें पावर फैक्टर 0.99 करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.99 ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं 2. अब यहाँ पे जो थीटा है इस थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए अभी के टाइम पे लिखा हुआ है कोश थीटा वन इक्वल टू जीरो पॉइंट एट टू मैंने यहाँ पे लिख दिया अब यदि हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये जो यहाँ पे कोर्स है इसको हम इस तरफ लेके आ सकते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अब ये जो इक्वेशन है इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास में आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट नाइन वन ये जो यहाँ पे थीटा है इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है अब यहाँ पे जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं इसको भी सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा तो उट कर लिया है, है उसका वैल्यू कितना चाहिए पावर फैक्टर का करेक्शन करने के लिए उस कैपेसिटर का वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा केवीआर में तो अभी के टाइम पे हम के वी आर में ही इसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और केवीआर में वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो के वी आर इक्वेल टू किलो ये जो किलो है इस किलो आट के जगह पे आपके घर का जो लोड है उस लोड का जो पावर है उस पावर को मेंशन करना होगा तो मैंने यहाँ पे किलो आट के जगह पे 1.5 लिख दिया अब यहां पे जो टेन है उसको सिंपली लिख दीजिए और थीटा वन जो है उसके जगह पे ये वाला वैल्यू को लिख दीजिए इसके अलावा थीटा टू के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिख दीजिए अब यहां पे जो टेन का वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास में आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट और ये जो पूरा इक्वेशन है इसको यदि हम सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से और इसको भी यदि हम सोल्व कर देते हैं तो पूरा आंसर आ जाएगा जीरो मतलब की जो हमारा घर के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाएगा उस कैपेसिटर का वैल्यू केवीआर में होगा जीरो दोस्तों हमारे घर का जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा उस कैपेसिटर का वैल्यू में कितना होगा मैंने आपको यहां पे बता दिया वैसे यदि आप देखोगे आपके घर का जो सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है उस कैपेसिटर का वैल्यू माइक्रो माइक्रोफेड में होती है तो यदि आप चाहो तो केवीआर को माइक्रो माइक्रोफेड में भी कन्वर्ट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो वैसे आपको के को माइक्रो को में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सिंपली यदि आप मार्केट में जाओगे मार्केट में यदि आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने वाली कैपेसिटर को बाय करोगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा के में ही मेंशन किया जाता है इसको मैं आपको आगे दिखा दूँगा ठीक है कैपेसिटर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को यदि आप माइक्रोफेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वाले फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका केवीआर है वो कितना है आपके घर का जो लोड है उस लोड का फ्रिक्वेंसी कितनी है और जो आपके घर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है वोल्टेज कितना है सिंगल फेज का होगा तो दो सौ वोल्ट हो जाएगा थ्री फेज है तो चार वोल्ट हो जाएगा इसके अलावा ये जो फार्मूला है इस फॉर्मूला में जो सिम्बॉल है उन सिम्बॉल का मतलब क्या है यहाँ पे मैंने मैंशन कर दिया हूँ

अब यदि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दूसरा होता तो वैल्यू चेंज हो जाती है मतलब कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का वैल्यू फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पे चेंज हो जाती है तो कितना वोल्टेज है कितना फ्रिक्वेंसी है उसको आपको ध्यान में रखना होगा अभी के टाइम पे जो हमारे घर के लिए कैपेसिटर चाहिए उस कैपेसिटर का वैल्यू जीरो पॉइंट होना चाहिए मतलब की एक केवीआर से भी कम होगा तो फिफ्टी फाइव माइक्रोफेड यहाँ पे शो किया जा रहा है वन के के लिए तो अभी के टाइम पे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारे घर का लोड है जो कि 1500 वाट का है

उस 1500 वाट का जो पावर फैक्टर है 0.82 उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.99 करने के लिए हमें अभी के कम से कम 40 और किस प्रकार से हम कैपेसिटर को फाइंड आउट करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये बनेगा की जो हमारे घर का सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन के लिए जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं क्या उस कैपेसिटर को हम हमारे घर का जो पावर फैक्टर है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जो आपका सीलिंग फैन वाली कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को उस तरीके से डिजाइन नहीं किया था जिससे कि आपका जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सके वैसे यदि आप इस वाले कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दोगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो जाए क्योंकि जो आपका कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को उस तरीके से डिजाइन नहीं किया था जिससे कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली

27.4 माइक्रो फेराड मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है इस वाले कैपेसिटर का के वैल्यू 27.4 पर कैपेसिटर है मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के अंदर में 27.4 माइक्रो फैड का तीन कैपेसिटर लगाया गया है थ्री फेस वाली है इसीलिए इसके अंदर में तीन कैपेसिटर अलग-अलग लगाया गया है इसके अलावा इसी कैपेसिटर के ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे में भी वैल्यू को शो किया गया है 50 और वोल्टेज पे कितना केवीआर होगा उसका पूरा यहाँ पे डिटेल शो किया गया है यदि आपके घर का वोल्टेज चार वोल्ट है और इसके अलावा यदि फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हज है तो इस कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर फाइव केवीआर का होगा लेकिन यदि आपके घर का वोल्टेज चार है तो इस कंडीशन में कैपेसिटर का वैल्यू कम हो जाएगा मतलब कि 4.4 पॉइंट फोर के वी हो जाएगा इसी प्रकार से बाकी डिटेल को भी आप यहां पे देख सकती हो किस प्रकार से कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो रहा है अब दोस्तों यहां पे हम ये बात कर लेते हैं कि क्या हमें हमारे घर के लिए कैपेसिटर को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए तो दोस्तों इसका आंसर हा भी है और ना भी है यदि आपका घर छोटा सा है तो इस कंडीशन में आपको कैपेसिटर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए लेकिन यदि आपके पास में कोई होटल है या फिर बहुत ही बड़ा घर है जिसमें पांच किलो वाट दस किलो वाट पंद्रह किलो वार पचास किलोवाट सौ किलो वाट दो सौ किलो वाट इस प्रकार से हैवी लोड को कनेक्ट किया गया मतलब कि आपके घर का पावर कंजप्शन बहुत ही ज्यादा है तो इस कंडीशन में आपका जो घर का पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कम हो सकता है पावर फैक्टर कम है कि नहीं है उसको चेक कर लीजिएगा चेक करने के बाद यदि आप देखते हो कि आपके घर का पावर फैक्टर कम है तो इस कंडीशन में आपको इस प्रकार का कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की जरूरत है इसके अलावा यदि आपके पास में कोई कंपनी है या फिर यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे हैवी लोड को रन करवाया जाता है तो इस कंडीशन में आपके कंपनी में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर को कनेक्ट करना चाहिए अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके घर में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर को लगाना है कि नहीं लगाना है इतना सब चीजों को सीखने के बाद आप डायरेक्टली जाके आपके घर में या फिर कंपनी में कैपेसिटर को कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए डायरेक्टली काम मत कर दीजिएगा दोस्तों देखिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया वो केवल बेसिक है इसके अलावा भी बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा साथ ही साथ में जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव करने के लिए इस प्रकार का जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाली पैनल होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है देखिए दोस्तों यदि आपके घर का जो लोड है वो लोड यदि तो पावर फैक्टर जो करेक्शन किया जाएगा उस करेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा उसका वैल्यू भी चेंज होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि जो आपका कंपनी है उस कंपनी में अभी के टाइम पे फिफ्टी किलो का लोड रन कर रहा है तो इस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होगा उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपको कम वैल्यू वाली कैपेसिटर की आवश्यकता होगी लेकिन इसी कंपनी में यदि लोड को बढ़ा दिया जाता है जैसे कि 200 सौ किलोवाट कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में आपको और भी कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा तो किस समय कितना कैपेसिटर को कनेक्ट करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या फिर आप चाहे तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कनेक्शन वाली जो पैनल आती है उसको कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि लोड और पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपका जो कैपेसिटर है वो चालू बंद हो जाए और जो आपके कंपनी का या फिर घर का जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव कर दिया जाए जिससे कि जो पावर फैक्टर के वजह से जो पेनाल्टी आप पे कर रहे हो वो पेनाल्टी कम हो जाए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा यदि आपके घर का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर यदि कम है तो उसी कंडीशन में आपको पावर फैक्टर वाली जो कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल करना है यदि आपके घर का पावर फैक्टर सही है तो आपको कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करना है कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो बिजली बिल कम होने की जगह पे बिजली बिल जो है वो बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के जगह पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको ज्यादा मत कर दीजिएगा साथ ही साथ में जो आपके घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको खराब मत कर दीजिएगा यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें कहा जाता है कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर दीजिए सीधा आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा वो जो वीडियो वो वीडियो आपको केवल आधा अधूरा ज्ञान देता है पूरा ज्ञान नहीं देता है तो आधा अधूरा ज्ञान लेने के बाद में आपको कोई भी काम नहीं करना होता है किसी भी काम को करने के लिए आपको पूरा नॉलेज को लेना होगा उसके बाद ही आपको उस काम को करना है दोस्तों यदि आप ये सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से हम इस वाले कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं उस वाले वीडियो को देखने के लिए ये जो राइट वाली वीडियो है इस पे क्लिक करके उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद